बुलंदशहर में भी गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 1.5 मीटर नीचे बह रही है। बुलंदशहर के कई ऐसे घाट हैं जहां जलस्तर बढ़ने से आसपास का इलाका पूरी तरह प्रभावित होता जाता है। बुलंदशहर, रामघाट, नरोरा घाट समेत कई ऐसे घाट हैं जहां पानी का जलस्तर बढ़ने से न सिर्फ गंगा के आसपास लगी फसलों में भारी नुकसान होता है बल्कि जनजीवन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे अगर यहां बाढ़ जैसे हालात बने तो उनसे कैसे निपटा जाए? इस पर एडीएम वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार सिंघल ने बताया कि गंगा घाटों के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई हैं। जबकि नाव और नाविकों का नामांकन कर सूचीबद्ध किया जा चुका है। तो वही प्रत्येक गंगा किनारे विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए घाटों व किनारों पर विशेष गोताखोरों को भी मुस्तैद रखने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, जितनी जगह पिछली बार पानी बढ़ा था तब कटान हुआ था और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आबादी के नजदीक पहुंची थी गंगा, तो उस सब को रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने परकोपाइन और बाढ़ के कटान रोधी कार्य किए हैं जो अभी तक चल रहे हैं। और इसके अलावा अभी 1.5 मीटर नीचे है गंगा का जलस्तर। 1.5 मीटर काफ़ी होता है, अगर पहाड़ों पर ज़्यादा वर्षा होती है तब जलस्तर अगर यदि बढ़ेगा तब उस स्थिति में सबसे पहले खेतों में पानी फैलेगा और आबादी तक आने का इतिहास यहाँ पिछले 10 सालों से 15 सालों से नहीं है कि आबादी प्रभावित हो। और फिर भी हमारी तरफ से बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, नावों की व्यवस्था की गई है, नावें चिन्हित कर ली गई हैं, नाविकों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके पते हमारे पास लिपिबद्ध हैं। इसके अलावा गोताखोर की सेवाएं ली गई हैं, गोताखोर चिन्हित कर लिए गए हैं। PAC की फ्लड जो टीम है वो हमेशा तैयार है ऑन कॉल। इसके अलावा NDRF को भी सूचना दी गई है, NDRF भी अगर यदि आवश्यकता पड़ेगी बचाव एवं राहत कार्य के लिए तो NDRF की टीम भी गाजियाबाद से तुरंत यहाँ पर 1/2 घंटे के अंदर उपलब्ध हो जाएगी किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति। फिलहाल बुलंदशहर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हर स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।